नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने नए NFO HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। तो ये NFO ओपन होने वाला है 16 अप्रैल 2021 को और क्लोज होने वाला है 30 अप्रैल 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस NFO के बारे में अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अलग अलग एसेट क्लास में, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड और गोल्ड ETF स्कीम में। मतलब कि ये स्कीम इन तीनों प्रकार के एसेट एलोकेशन वाली जो भी स्कीम होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस स्कीम में कॉम्बिनेशन होगा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स का और गोल्ड एक्सेट ट्रेडेड फंड्स का। अब हमें सबसे पहले समझना है कि एसेट एलोकेशन क्या होता है और इन्वेस्टर के लिए एसेट एलोकेशन क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि आपके सारे अंडे आपको एक बास्केट में नहीं रखने हैं। अगर वो एक बास्केट को कुछ होता है तो आपके सारे अंडे फूट सकते हैं। तो उसी तरह से आपके जो पैसे हैं उसे कोई भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने चाहिए और मेन एसेट क्लास है इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। तो अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब कि हमें एसेट एलोकेशन क्यों करना चाहिए। तो उसकी पहली वजह यह है कि अलग अलग टाइम होराइजन में अलग अलग मार्केट इवेंट के आधार पर हर एसेट क्लास का परफॉर्मेंस हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में मार्केट इवेंट्स वर्सेस रिटर्न का ग्राफ दिखाया है और यहाँ पर जो डेटा है वो 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2021 तक का है। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू लाइन है वो इक्विटी की है, लाइट ब्लू लाइन है वो डेट की है और जो येलो लाइन है वो गोल्ड एसेट क्लास के रिटर्न की है। तो जैसे 98 की बात करें तो टेक बबल, इसमें इक्विटी का रिटर्न था 14%, डेट का रिटर्न था 16% और गोल्ड का रिटर्न था 0%। उसी तरह से 2003 की बात करें तो इक्विटी का रिटर्न था -14%, डेट का रिटर्न था 20% और गोल्ड का रिटर्न था 10%। तो इसी तरह से 2003 से 2008 इकोनॉमी बूम, 2008 से 2011 सब प्राइम क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस, 11 से 17 पोस्ट क्राइसिस, 17 से 20 मार्केट रिकवरी, COVID-19 करेक्शन एंड पोस्ट कोविड रैली, ये सारे मार्केट इवेंट्स के एसेट क्लास के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाए हैं। दोस्तों, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि कोई भी एसेट क्लास का रिटर्न हमेशा फिक्स नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। अलग अलग मार्केट इवेंट में अलग अलग एसेट क्लास परफॉर्म करता है। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह के टेम्पररी करेक्शन से बचाने के लिए अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब हम बात करें सिर्फ इक्विटी के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ है निफ्टी 50 के वेल्थ क्रिएशन जर्नी का। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2021 तक का निफ्टी 50 की जर्नी के बारे में दिखाया है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का 1998 से लेकर 2021 तक का CAGR रिटर्न है 12%। दोस्तों, निफ्टी 50 ने 98 से 2021 तक में 12% CAGR रिटर्न दिया है और आप शायद रूल 72 के बारे में जानते होंगे कि इस रूल के हिसाब से अगर कोई भी स्कीम 12% CAGR रिटर्न 6 साल तक देती है तो 6 साल के बाद उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। यानी कि 12 × 6 = 72 नहीं, लेकिन 12 × 6 = 100 इस तरह से उसका कैलकुलेशन बैठता है। ये तो था इक्विटी का परफॉर्मेंस, लेकिन इक्विटी में भी कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप परफॉर्मर्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में 2005-2006 से लेके 2020-2021 तक के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से साल में कौन से कैपिटलाइजेशन ने ज़्यादा रिटर्न दिया है और किसने कम रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, इस टेबल से एक जानकारी मिलती है, पिछले 16 साल के कैपिटलाइजेशन के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो लार्ज कैप 6 बार, मिड कैप 3 बार और स्मॉल कैप 7 बार टॉप परफॉर्मर रह चुका है। तो ये है खास वजह कि क्यों एसेट एलोकेटर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब एक और वजह है जिससे कि आपको पावर ऑफ एसेट एलोकेशन के बारे में पता चलेगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ के अंदर पिछले 20 साल के इक्विटी, डेट और गोल्ड के रिटर्न दिखाए हैं
साथ में वॉलेटिलिटी के साथ। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो CAGR रिटर्न की है और जो रेड लाइन है वो वॉलेटिलिटी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी ने रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में करीब 11.61% और उस टाइम वॉलेटिलिटी है 20.2%। डेट का रिटर्न है 8.61 और वॉलेटिलिटी है 4.9%। और उसी तरह से गोल्ड का रिटर्न है 10.71% और वॉलेटिलिटी है 14.7%। तो इससे पता चलता है कि इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा है लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है, डेट में रिटर्न कम है लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम है। अब हम यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें, मतलब कि तीन प्रकार के एसेट एलोकेशन के कॉम्बिनेशन का रिटर्न चेक करें, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं 40 इक्विटी, 50 डेट और 10 गोल्ड का, तो उसका रिटर्न होता है 10.9% और वॉलेटिलिटी होती है 8.7%। उसी तरह से हम 60, 30 और 10 का कॉम्बिनेशन करें तो रिटर्न होता है 11.5% और वॉलेटिलिटी होती है 12.3%। और 80, 10 और 10 का कॉम्बिनेशन करें तो रिटर्न होता है 11.9% लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ के हो जाती है 16.2%। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमने 60, 30 और 10 वाला जो कॉम्बिनेशन है उस एसेट एलोकेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड में, तो उसका जो रिटर्न है बिल्कुल इक्विटी के आसपास है और वॉलेटिलिटी इक्विटी से कहीं ज़्यादा कम है। तो ये है पावर ऑफ एसेट एलोकेशन। इसीलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन करना चाहिए और एसेट एलोकेटर फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, इक्विटी, डेट और गोल्ड, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, या तो फिर फ्रीक्वेंसी रीबैलेंस, या वेदर एसेट एलोकेशन इन टैक्स एफिशिएंट। तो इसके लिए सिस्टमेटिक एंड प्रोसेस ड्रिवन एसेट एलोकेशन की ज़रूरत है और वो हमें मिल सकता है हमारे HDFC के अपकमिंग NFO, HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में। तो शुरुआत करते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होने वाला है, जिसके अंदर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में 40 से लेके 80% तक, डेट ओरिएंटेड स्कीम में 10 से लेके 50% तक और गोल्ड एक्सेट ट्रेडेड फंड स्कीम में 10 से लेके 30% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और जबकि डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये था इस NFO का एसेट एलोकेशन। यहाँ पर इक्विटी की स्ट्रेटेजी रहेगी कि कम से कम 75% तक इन्वेस्टमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अंदर किया जाए। डेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो 75 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट, लिक्विड, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी, इस तरह की स्कीम में हो सकता है। और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा किया जाएगा जो कि डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। अब बात करेंगे इस स्कीम के फंड फैक्ट्स की। तो इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम, जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है इक्विटी, डेट और गोल्ड में। फंड मैनेजर है मिस्टर अमित गणात्रा इक्विटी के लिए, अनिल बम्बोली डेट के लिए और मिस्टर किशन कुमार डागा गोल्ड के लिए। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शन में दोनों ही प्लान में ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डिविडेंड में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पे आउट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 5,000 और कंटिन्यूस में भी मिनिमम 5,000, एडिशनल परचेस 1,000। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल, एग्जिट लोड 15% तक यूनिट आप स्विच या रिडम्पशन कर सकते हैं विदाउट एग्जिट लोड, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने यूनिट स्विच या रिडम्पशन किए तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग सकता है। बेंचमार्क है 90% निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट, 65-35 टोटल रिटर्न इंडेक्स, प्लस 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड अराइवेड बेस्ड ऑन लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन फिक्सिंग प्राइस। ये थे इस स्कीम के फंड फैक्ट्स। अब हमें बात करनी है रिस्कोमीटर की। इस स्कीम का रिस्क है हाई, मतलब कि आपको लंबे समय तक इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये थी जानकारी HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड की। समराइज करते हैं तो ये एसेट एलोकेशन प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में, डेट ओरिएंटेड स्कीम में और गोल्ड एक्सेट ट्रेडेड फंड्स में। ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। इसमें करीब 95 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होने वाला है। इसमें इक्विटी में 40-80% तक, डेट में 10-50 और गोल्ड में 10-20। तो दोस्तों ये थी जानकारी HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आपको कुछ परेशानी है तो यहाँ कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या तो फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं
तो यहाँ पर प्रूडेंट कॉर्पोरेट, एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू, ये तीन में से किसी में भी आप अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस लिंक के द्वारा आप जल्द से जल्द अपना अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।